हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफिशियली ठंड आ गई है। ऑफिशियली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ठंड तो बहुत पहले से आ गई, बट अब ठंड लगने लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंड से रिलेटेड ही किया जाए। इतनी ठंड मुझे लग रही है, उसके बाद ही पता नहीं क्या सोच के मैं मिनी स्कर्ट पहनाई। एनीवेज, मैं मीशो पे देखती रहती हूँ क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है, तो मुझे ना एक दो जैकेट्स अच्छी लगी एंड वहीं से ये मेरी वीडियो प्लान हुई। तो मैंने सोचा ठंड भी आ गई है तो मीशो से जैकेट्स वगैरह मंगवा के देखी जाएँ कि कैसी आती हैं वहाँ से। एंड कुछ कुछ जैकेट्स काफ़ी अच्छे प्राइस में, फ़ोटोज़ में मुझे काफ़ी सुंदर लग रही थी। वैसे बहुत होता है मेरे साथ मीशो पे, एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी, दिखाते कुछ और है, आता कुछ और है, बट फिर भी मैंने कभी जैकेट्स मंगवाई नहीं, तो मैंने सोचा इस बार जैकेट्स मंगवा के देखी जाए कि कैसी आती है वहाँ से। सो, मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ या मेरी अभी तबीयत ख़राब थी पिछले 10 दिन से, तो मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करती हूँ। लाइक मेरा फ़ोन पड़ा रहता है, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जब मैं ठीक होती हूँ मैं तभी शूट करती हूँ, मैं तभी फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो आजकल ना मैं बहुत सारे ऐसे वायरल ट्रेंड्स देख रही थी। लाइक ये बहुत पुराना ट्रेंड आया वैसे ओम्ब्रे लिप्स वाला, बट मैंने किया भी हुआ एक बार, मैंने वायरल हैक्स ट्राई करी थी या कुछ तो था, तब मैंने ये किया था। आज मेरा दोबारा मन हो गया तो मैं ये ओम्ब्रे लिप्स करके बैठी हूँ। अगर आप लोग इसे देख के डर रहे हो तो कमेंट में मुझे ये मत भर देना ये कैसी लिपस्टिक लगाई है। तो ये तभी की लगी हुई है, फिर मैंने सोचा कि इसको क्लीन करूँ बिकॉज ये मेरे आउटफिट से भी मैच कर रही थी। सो, अगर आप लोगों को मेरी लिपस्टिक से दिक्कत है, कोई बात नहीं, प्लीज़ बेयर विद मी। हमारे साथ आज परी भी आई है। हेलो परी। वो पढ़ाई कर रही है यहाँ बैठ के, कभी उसको खांसी आ रही है, कभी कुछ खा रही है। चलो मैं फटाफट खोलती हूँ ये वाला बड़ा सा पैकेट, शायद इसमें या तो मुझे लग रहा है तो दो जैकेट्स होंगी या फिर एक ही होगी, खोल के पता चलेगा। सो, वो है ये फर्स्ट हमारे पास। ओके, मैं समझ तो गई हूँ ये मैंने कौन सी जैकेट मंगवाई थी, और ये एक ही आई है इसमें। एंड आई गेस मैंने ऐसी एक ही जैकेट मंगवाई है, लग तो ये मुझे काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सी रही है। ओहो, नाइस। ओके, सो ये जैकेट 5 कलर्स में अवेलेबल थी, बट मैंने इसको मंगवाया है ब्लैक कलर में, क्योंकि मैं बाकी कलर्स के बारे में श्योर नहीं थी कि वो कैसे से आए, बहुत चटकीले भड़कीले से ना आ जाए। ब्लैक तो मुझे था कि ब्लैक ही रहेगा बेसिक। सो ये 822 रुपीज़ की है एंड इसका नाम यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ, डिम्पी गारमेंट्स ब्लैक नायलॉन विमेन क्विल्टेड बॉम्बर जैकेट विथ फर हुडी। फ़र के नाम पे बहुत ही काम चला उसका फ़र है, पर कोई बात नहीं। वैसे ये 822 रुपीज़ की एंड मैंने इसको मंगवाया है साइज़ स्मॉल। मैंने स्मॉल के हिसाब से भी पकड़ने को, और ये स्मॉल के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छी खासी बड़ी लग रही है। इसका स्टार्टिंग साइज़ ही स्मॉल था, मुझे था कि बहुत ज़्यादा, शायद मैंने एक ही ऐसी जैकेट मंगवाई है जिसको आप बहुत ज़्यादा ठंड में या बर्फ़बारी वगैरह में पहन के जा सको। अब ये कितनी ठंड रोकती है वो तो इसको पहन के ही पता चलेगा। इसका फैब्रिक वगैरह अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है। इसकी ऐसे अगर स्टिचिंग वगैरह की बात करूँ तो बाहर से देखने में ये बुरी नहीं है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, काफ़ी नीट है, क्लीन की हुई है एटलीस्ट, वरना काफ़ी बार धागे वगैरह निकल रहे होते तो वो बहुत गंदा लगता है, तो उससे तो आई एम इम्प्रेस। तो चलो मैं इसको पहन के देखती हूँ, थोड़ी देर पहन के भी रखती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि ये कितनी ठंड रोक रही है और ये इसको मंगवाना वर्थ इट है भी या नहीं। कितनी बड़ी लग रही है ये, शायद स्कर्ट की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी कवर ही हो गई हूँ इस जैकेट में, और मैंने सिर्फ जैकेट पहनी हुई है। पूरी ड्रेस ही बन गई, जैकेट ड्रेस बन गई है मेरी। बट गाइस, ये बहुत गर्म है, मतलब मुझे लगा था कि शायद मुझे इसे पहन के थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी ठंड ये मेरी रोक रही है, बट मुझे इसे पहनते ही बहुत गर्म लग रहा है। तो अगर आप उस माइंडसेट से इसको मंगवा रहे हो कि आप इसे किसी ठंडी जगह पहन के जाओ, तो आई थिंक ये अभी काम कर जाएगी, क्योंकि मुझे अभी तक तो ये अच्छा खासा गर्म फील दे रही है। अब मैं उतनी श्योर नहीं हूँ कि बाहर की ठंड और बर्फ़ में ये कितना काम करे या ना करे, बट यहाँ पर तो ये मुझे अच्छा खासा गर्म फील दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहनी हुई भी बुरी नहीं लग रही है यार, ये मुझे अच्छी लग रही है। ऐसी जैकेट्स तो ऐसी ही लगती हैं, बट थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क होता है, थोड़ा फिट का फ़र्क होता है, बट ये भी प्राइस के हिसाब से नॉट एट ऑल बैड। मैं इसकी ये फ़र वाली कैप भी लगा के देखती हूँ, कैप थोड़ी छोटी रह गई, कैप आई नहीं रही आगे तक, बट ठीक है। और इसके ये शू लेस वाले जो उन लोगों ने लेसेस लगाए, ये भी थोड़े से गंदे हैं, इसको भी थोड़ा अच्छा कर देते तो ये जैकेट बुरी नहीं है। ये और भी इसमें कलर ऑप्शंस थे 3-4, सो आप देखो अगर आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। पॉकेट्स भी हैं यार, सही लगी है मुझे, नाइस। सो, अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। मैंने सारे ही प्रॉपर विंटर्स की नहीं मंगवाए हैं, मैंने आई गेस एक दो डेनिम जैकेट्स ही मंगवाई हैं जो मुझे काफ़ी स्टाइलिश और अच्छी सी लग रही थी। ये मुझे कुछ क्यूट सा लग रहा है, और इसमें दो जैकेट्स एक साथ आई हैं, तो हम पहले खोलते हैं ये वाली। भालू, अरे देखो
वाइट कलर की कितनी प्यारी फर की जैकेट, और इस पे ज़ारा लिखा है गाइज इट्स अ स्टील, ज़ारा से जैकेट आई वो भी बहुत सस्ते में। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार अभी तक देख के, दिस इज़ नाइस। इसका तो नाम ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे वार्म इन स्टाइल विद विमेंस क्रॉप जैकेट्स इन फर फैब्रिक। मुझे याद है मैं और गरिमा शीन के टाइम ऐसे वाले जैकेट्स बहुत मंगवाते थे, एंड लूज जीन्स हर टाइप की जीन्स के साथ ये बहुत स्मार्ट लगती है पहने हुए, बूट्स पहनो, टाइट जीन्स पहनो, अंदर कोई टाइट सा टॉप डालो, ऊपर ये खोल के पहनो, बहुत प्यारे प्यारे लुक्स बनते हैं इनसे। स्नीकर्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं इसका प्राइस वगैरह देखती हूँ, ऊपर से ज़ारा की है तो ये सिर्फ 306 रुपीस की है, और ये इसके अलावा भी तीन चार कलर्स में थी, बट मैं ऑलरेडी वाइट वाला ऑर्डर लगा चुकी थी, वो कलर्स मैंने बाद में देखे, लाइक ग्रीन था शायद ब्लैक था, बट वाइट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके प्राइस के हिसाब से तो ये मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है, सिर्फ 306 रुपीस में मैंने इसको मंगवाया साइज़ स्मॉल में। तो चलो इसको पहन के देखते हैं कैसी लगती है ये। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है तो क्रॉप जैकेट बट इसके स्लीव्स किस हिसाब से इन लोगों ने क्रॉप कर दी, बस यहीं पर टक गई है इसकी स्लीव्स। मतलब लाइक क्रॉप जैकेट यहाँ से क्रॉप होती है बट स्लीव्स तो फुल होती है ना, तो मुझे वैसा लग रहा है मैंने किसी की जैकेट मांग के पहन ली है और ये मुझे छोटी आ रही है। बट हाँ ये लग तो गर्म सी रही है, सही लग रही है, और इसका फैब्रिक भी बहुत वाव तो नहीं है, ठीक ठाक सी क्वालिटी है। सो इसका फैब्रिक काफ़ी पतला, अगर मैं उस चीज़ को भी एक बार को इग्नोर करूँ तो ये मुझे अच्छी लग रही थी, स्मार्ट सी लग रही थी पहनी हुई, बट वो इसके स्लीव्स ने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया, तो अभी मेरी किसी काम की नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ऐसे टंगी टंगी सी स्लीव्स। बाय मीशो बाय, और बहुत सारे बाल है किसी के यहाँ पे, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास एक डेनिम जैकेट, और इसको मंगवाने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे इसके कलर्स। आप देखो ये कितनी कलरफुल सी डेनिम जैकेट है, एंड मेरे पास इतनी कलरफुल कोई जैकेट नहीं है, ये मुझे लगा कुछ अलग सा पेश कर रहा है मीशो हमारे सामने। ओके सच बताऊँ तो मैं इसको लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत गंदा कपड़ा है यार इसका। कलर्स हम मैं एक बार फिर भी बर्दाश्त, वैसे इस पे मोंटी कार्लो लिखा है, मोंटी कार्लो की नॉट बैड फेक। देखती हूँ उसका प्राइस वगैरह, फिर मैं देखती हूँ ये कितना जस्टिस कर रही है इसके प्राइस को। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कलर बर्स्ट डेनिम जैकेट विद रेनबो पैच वर्क फॉर वुमेन। क्लियरली जो आर्टिकल यहाँ पे है ये उसको कॉपी किया गया है, रेप्लिकेट किया गया, ये सेम आर्टिकल नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये बहुत सुंदर लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे फ़ोटो में कलर कॉम्बिनेशन और जो लुक आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फ़ोटो लगाऊंगी तो आपको भी समझ आ जाएगा, बट हाथ में आने के बाद मे बी बिकॉज की क्वालिटी की वजह से ऐसा लग रहा है, मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसके बटन्स वगैरह भी बहुत चीप लग रहे हैं, ये 505 रुपीज़ के, एंड मैंने इसको मंगवाया साइज़ स्मॉल में। बाकी मैं इसको पहन के देखती हूँ, क्या पता पहन के फिर भी थोड़ी बहुत ठीक लगे, बट अभी तक तो आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग इट। वैसे पीछे से भी आप देखोगे सही धो धो के नहीं गंदी हो के हो जाती है, वैसी लग रही है कि लाइक पिंक कलर था, पर्पल कलर था, उसमें नील चढ़ गया है, पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो लेट्स ट्राई। ओके सो जिस फील और जिस लुक के लिए मैंने इसको मंगवाया था ये वो तो नहीं दे रही है, इसका फैब्रिक इसका कपड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट ठीक है ऐसे पहनी हुई। मैं बहुत कंफ्यूज सी हूँ इसके लुक को लेके, कभी मुझे इसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कभी ये मुझे वो चीप सा फील दे रही है, सो मेरे बहुत ही मिक्स से फीलिंग्स हैं। बट अगर उन मिक्स्ड फीलिंग्स को असाइड रख के मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचूँ तो ये वर्थ इट नहीं है, जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी। आई थिंक मैं इसको नहीं पहनूंगी, मुझे बिल्कुल इससे मज़ा नहीं आ रहा है, और ये चीज़ इसलिए भी है लाइक मीशो ऐसा नहीं है, मीशो पे कई बार ही प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, बट कभी कभी मीशो ऐसा कर देता है, सो मीशो को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो अब देखती हूँ नेक्स्ट क्या है हमारे पास हमारे स्टॉक में। ये मुझे लेदर जैकेट क्यों लग रही है, क्योंकि ये वही है, यस इट्स अ ब्लैक कलर की लेदर जैकेट। वाओ मैंने तो काफ़ी वैरायटी मंगवाई है, मुझे देख के लग रहा है जैसे जैसे मैं खोल के देख रही हूँ। लंडन फॉग है इसकी ब्रांड, और ये कुछ ऐसी दिख रही है, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट बाइकर जैकेट फॉर वुमेन, एंड ये 1166 की है।
मैंने इसको मंगवाया है साइज स्मॉल में। अगर मैं इसके ऐसे फैब्रिक के छू के बात करूँ तो ये मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मैंने क्योंकि मैंने इस टाइप की जैकेट्स पहले भी देखी है लाइक ऐसे मार्केट वगैरह में जाके, वो इतनी प्राइस की, तो उसका लेदर बहुत कड़ा और बहुत गंदा सा लगता है, बट इसका मुझे नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लग रही है। बाकी अगर मैं फ़ोटोज़ से इसको कंपेयर करूँ तो लुक तो थोड़ा थोड़ा सेम ही है, बट ये उतनी भी क्लासी नहीं लग रही है। हाथ में छूने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे समझाऊँ मैं आपको, मैं पहले इसको पहनती हूँ फिर मैं आपसे इसके बारे में बात करती हूँ। लेदर जैकेट टाइम। मैं जब 11th-12th क्लास में थी तो मुझे लेदर जैकेट्स बहुत पसंद थी, इवन कॉलेज और अभी भी मुझे लेदर जैकेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये कि मैंने काफ़ी पहन ली तो मेरा शौक थोड़ा कम सा हो गया, वरना पहले तो मैं लाइक ऑब्सेशन टाइप नहीं होता वैसा था कि मुझे और कलर में लेदर जैकेट चाहिए, ये बहुत स्मार्ट लगती हैं पहनी हुई, पूरा सा बाइकर वाला फील आता, तो बस वो था। ये भी पहनने के बाद तो मुझे अच्छी लग रही है, नॉट बैड, बट ये कि हाँ ये थोड़ी सी कॉस्टली है, अराउंड 1100 समथिंग की ये है। कि अगर स्टिचिंग क्वालिटी और कपड़े की बात करूँ तो जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी वो ये कि लाइक बुरा नहीं है, अच्छा है, बस इसके जिप्स मुझे थोड़ा सा इशू दे रहे हैं खुलने और बंद होने में। मैं एक बार इसको बंद करके भी देखती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसका साइज़ वगैरह कैसा आया है मुझे। इसकी मैं इसकी वाली बेल्ट भी लगा के देखना चाहूँगी एक बार कम्प्लीटली बंद करके ये कैसी लगती है। मेरे पास जो लेदर जैकेट है मैंने ज़ारा से ली थी, वो 5K समथिंग की थी या शायद उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, इतने की ही थी, बट ये भी मुझे ठीक लग रही है और ये पहन के काफ़ी अच्छा गर्म सा फील भी दे रही है, तो सही है, ये अच्छी है। नेक्स्ट है, मैंने ये पैकेट अभी आधा ही खोला था एंड मुझे ना बस ये वाइट कलर का फर दिखा, तो मुझे लगा मैंने गलती से वो वाइट जैकेट दो तो नहीं मंगवा ली, बट थैंक गुडनेस मैंने इस बार वैसा नहीं किया, वैसे मैं बहुत बार ऐसा कर देती हूँ। ये कुछ अलग है, मुझे याद आ गया इसमें वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में ये जैकेट थी, मैं ये खोल के दिखाती हूँ। टन टन, ये तो आपकी पक्का फेवरेट होगी है ना, क्योंकि इसमें पिंक कलर आ रहा है एंड इसको खोलते ही मैं देख सकती हूँ कि ये यहाँ से अच्छी खासी गंदी है। आई डोंट नो वो कैमरा पे दिख रहे हैं या नहीं, बट यहाँ पे भी एक बहुत ही मिट्टी का पता नहीं क्या ये ब्राउन सा निशान है छी, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, मुझे लग रहा है ये किसी ने रिटर्न की है इसको पहन पहन के, क्योंकि इतनी गंदी तो नहीं होती, सिर्फ ट्रायल में इसमें बाल बुल भी अटका हुआ है। वैसे ये सिर्फ 352 रुपीज़ की है एंड छूने में तो मुझे लग रही है कि काफ़ी गर्म होगी, मैंने उसको स्मॉल साइज़ में मंगवाया था, बट जो मैंने फ़ोटोज़ में जो चीज़ देखी थी आई थिंक पहन के ये वैसी नहीं लगेगी, ये आर्टिकल थोड़ा सा अलग है, ये भी किसी और ब्रांड का रेप्लिकेट किया गया है, सो डेफिनेटली जो लुक फ़ोटो में आ रहा था वो इसका नहीं आएगा। ठीक है, मैं इससे उतनी खुश नहीं हूँ अभी तक, बिकॉज पैटर्न इज कलर ब्लॉक्ड, लॉन्ग स्लीव्स, वुल, पिंक जैकेट, एक तो ये इतनी गंदी भेजी है तो मेरा पहन के इसको ट्राई करने का भी मन नहीं कर रहा। चलो कोई नहीं, लेट्स ट्राई दिस, अब पहन के तो देखना ही है। अगर मैं इसकी वार्म्थ की बात करूँ तो ये अच्छी खासी गर्म है, ऐसे पहनी हुई बुरी भी नहीं लग रही है, ठीक लग रही है, बट अगर आप इसको इन रियलिटी देखोगे तो ये काफ़ी चीप सा फील दे रही है, मैं कैसे बताऊं। ये सरोजनी वगैरह या ओपन मार्केट से, फ्ली मार्केट से भी, फ्ली मार्केट से या आप 100 रुपीज़ तक की भी बारगेन करके ले सकते हो और उससे भी कम की, तो ये अगर तो ये मुझे प्राइस के हिसाब से वर्थ इट नहीं लग रही है, ऊपर से ऐसी गंदी सी आई है, तो उन चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। सो ठीक है, जो फ़ोटोज़ में मैंने जो इमेजिनेशन की थी, जो मैंने सोचा था कुछ ऐसी सी लगी, कुछ ऐसा सा आएगा, तो वो चीज़ आई नहीं, तो बस मैं उसी से थोड़ी सी नाराज़ हूँ। नेक्स्ट वी हैव क्लासिक जिपर स्वेड बाइकर जैकेट, ये भी मैंने स्मॉल साइज मंगवाई है एंड दिस वन इज़ फॉर ₹713 की मैंने इसको मंगवाया है, बट अभी सस्ती हो रखी है 704 रुपये की। जो कलर मांगो आपको ये उस कलर में मिल जाएगी, बट मैंने इसको मंगवाया है मरून कलर, मरून ही है शायद, ये मरून और बरगंडी टाइप कलर है ये, नहीं ये प्रॉपर बरगंडी ही आया है, बट यहाँ पे कलर थोड़ा सा मरून टाइप लग रहा था, सो वो है ये। ओके, दिस इज़ नाइस, ये मुझे अच्छी लग रही है, प्राइस के हिसाब से फैब्रिक इज़ गुड, छूने में क्वालिटी अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है ये अच्छी खासी गर्म भी होगी, कपड़ा भी अच्छा खासा लगाया है इन्होंने और ऐसे चीप सी भी नहीं लग रही है देखने में, सो दिस इज़ नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस वन एंड आई थिंक ये पहन की बहुत स्मार्ट लगेगी जैकेट्स सॉरी जीन्स के साथ, आप इसको इमेजिन करो ब्लैक जीन्स बूट्स एंड ये, वाओ। तो चलो लेट्स ट्राई दिस, सी गाइज,
बिल्कुल परफेक्टली फिट हो ये, मुझे इसका कलर इतना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, इसका फील बहुत अच्छा है। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे ना जीन्स पहन के आना चाहिए था, सो दैट हम लोग बेटर जज कर पाते, बिकॉज स्कर्ट वैसे हाँ हम तो स्कर्ट्स भी पहनते हैं ना नीचे लेगिंग्स वगैरह पहन के वॉर्म, तो आप वो लुक भी जज कर सकते हो। सो मैं यही बोल रही थी कि मुझे इसको पहनते इतना गर्म सा लग रहा है, लाइक हाँ ये ठंड रोक रही है, तो आप इसको ठंड में आराम से, लाइक अभी अच्छी खासी ठंड हो रखी है, मुझे यहाँ पे अपने इस हॉल पे बहुत ठंड लग रही थी, तो मुझे इसे पहनते वार्म फील हो रहा है। मैं एक बार इसको बंद करके भी देखती हूँ इसकी जिप वगैरह। सो सी, मेरे पास एक जैकेट होती थी बहुत पहले जब मैं चंडीगढ़ पढ़ती थी, एंड आई रिमेम्बर, मुझे याद तो नहीं मैंने वो किस ब्रांड से ली थी, बट मैंने वो 2000 या 3000 रुपीज़ की ली थी, ब्राउन कलर की, और वो बिल्कुल सेम ऐसी लगती थी, तो मैं बिल्कुल डिफरेंस नहीं बता पा रही हूँ अपने उस जैकेट में और इसमें, और ये सिर्फ 700 समथिंग की है, तो ये बिल्कुल वर्थ इट है। इसकी स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। दिस इज़ नाइस, अगर आपको ये कुछ ऐसी जैकेट आप देख रहे हो और लेना चाहते हो सो गो फॉर इट, आपको इसके बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड इनफैक्ट मुझे इसके सारे कलर्स अच्छे लग रहे थे बट मैंने ये मंगवाया, सो नाइस। इतने ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स पड़ रहे हैं मुझे, मेरी हालत इतनी ज़्यादा इस वक्त ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्यों ये वीडियो आज शूट करने आ गई, बट ये तो मुझे अब कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। माई हालत इज़ नॉट एट ऑल गुड, आई थिंक मुझे आज रेस्ट कर लेना चाहिए था। एनीवेज मैं आपको नेक्स्ट जैकेट दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट है हमारे पास दो दो डेनिम जैकेट्स, पहले मैं ये वाली खोलती हूँ। ये तो कुछ ऐसे कोरियन स्टाइल की जैकेट नहीं लग रही है, प्रॉपर कोरियन स्टाइल लग रहा है ये मुझे, और ये कपड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा बनियान का कपड़ा हो, बनियान काट के स्लीव बनाई गई हो सच में। सो ये है 421 रुपीज़ की, ये मुझे जो जिस मॉडल ने ये पहना हुआ ये भी मुझे कोरियन ही लग रही, तो आई गेस ये कोरियन स्टाइल की ही होगी, एंड मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया। ये 421 रुपीज़ की है, यहाँ पे इसका नाम लिखा है ट्रेंडिंग एंड लेटेस्ट डिज़ाइन जैकेट फॉर वुमेन गर्ल्स, कलर ब्लू, टाइपोग्राफी रेगुलर जैकेट। सो इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, छी बहुत ही गंदा कपड़ा है ये, बहुत ही बेकार। लाइक इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको मंगवाया इसलिए क्योंकि मुझे डिफरेंस ही लग रही थी इसके, लाइक स्लीव से ऐसे वाइट निकल रहा था देन वाइट कलर की एक कैप, बट वो फोटोज़ में अच्छा लग रहा था, ये बहुत गंदी लग रही है मुझे। ये स्टाइल बहुत अच्छा है, अगर इसी को थोड़े अच्छे क्वालिटी अच्छे तरीके से स्टिच किया होता, थोड़े अच्छा कपड़ा यूज़ किया गया होता तो नो डाउट ये बहुत अच्छा लगता, बट अब भी तो पहन के देखती हूँ। सो इस जैकेट को पहनने के बाद ही मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि ये स्टाइल तो अच्छा है, लाइक ऐसे वाइट कलर का कपड़ा डेनिम के नीचे, यहाँ से वाइट स्लीव्स दिख रही है, बट ये चीज़ हम वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी डेनिम जैकेट के, आप स्लीव्स फोल्ड करो नीचे पे अपनी अच्छी सी अच्छी क्वालिटी की वाइट कलर की फुल स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह पहन लो या शर्ट पहन लो, बहुत स्मार्ट लगती है। तो मुझे लगा था कुछ वही फील आएगा, पता नहीं क्यों फिट में ही मज़ा नहीं आ रहा है कपड़े की क्वालिटी वगैरह। सो ये मैंने दो डेनिम जैकेट्स मंगवाई हैं एंड ये सेम जगह से ही आई हैं एंड दोनों ही बहुत बेकार हैं, ये कट पता नहीं कैसे से इसको बनाया हुआ है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, नो। नेक्स्ट निकली है ये वाली, ओके हाँ मैंने एक क्रॉप डेनिम जैकेट भी मंगवाई थी, ये वो ही है, इसका फैब्रिक भी बहुत गंदा है, बहुत चीप क्वालिटी, बहुत ही बेकार लग रही है ये मुझे। सो ये है, यहाँ पे मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक डेनिम की क्वालिटी बहुत, अगर आप फोटो देखोगे ना तो आप भी रिलेट कर पाओगे, बट जो इन लोगों ने भेजा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो इसका तो लाइक क्रॉप जैकेट का तो स्टाइल ही अलग है, ये स्टाइल कुछ हो रहा है, ये स्टाइल क्या ही आया है। सो ये मैंने स्मॉल साइज़ में मंगवाई है, इसका नाम ये शायद 321 रुपीज़ की है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है ट्रेंडिंग एंड न्यू कलेक्शन शॉर्ट डेनिम जैकेट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। सो ये बिल्कुल पीस अलग आया है जो मैंने यहाँ पे देखा था, ऐसी वाली जैकेट्स अगर आप सरोजनी वगैरह जाओगे तो आपको 100 या बिलो 100 में ही मिल जाएगी बार्गेन कर, क्योंकि ये बहुत गंदा कपड़ा है, बट चलो ठीक है पहन के दिखाती हूँ आपको। इसको लेके मेरे बहुत ही मिक्स से फीलिंग्स हैं, बिल्कुल बेसिक सी डेनिम जैकेट ये लग रही है, क्रॉप क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी, तो ठीक है मैंने लाइक कुछ और एक्सपेक्ट करके इसको मंगवाया था, वो चीज़ आई नहीं है, सो ये मुझे ठीक है, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए, ओके ओके। एंड लास्ट है मेरे पास
इसके बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे, बट मैंने इसको मंगवाया है फ्लोरेसेंट येलोइश ग्रीनिश कलर में, लाइक वाइट के साथ कॉम्बिनेशन थे, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड स्काई ब्लू। मैं लगाऊंगी फोटो तो आप समझ जाओगे। ये 412 रुपए की है एंड ये मुझे थोड़ी सी स्पोर्टी सी भी लग रही थी, लाइक अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसको सोचा मंगवा के देखा जाए। आई विश जैसी मैंने इसको सोचा ये वैसे ही निकले तो मज़ा आ जाएगा। एंड ये नाइकी की है, और क्या चाहिए आपको, ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं आपको सिर्फ 400 रुपए में फ्रॉम मीशो। इसका नाम यहाँ पे लिखा है RKK कलेक्शन विमेंस विंटर जैकेट, RKK फैशन जैकेट फॉर गर्ल्स। सो 412 के हिसाब से दिस इज़ नाइस, ये मुझे सच में अच्छी लग रही है। अगर ये मुझे पहनी हुई स्मार्ट लगी तो मैं इसके सारे कलर्स मंगवा लूँगी। सी, ये सच में बहुत प्यारी लग रही है, आई एम इम्प्रेस्ड इससे। तो क्वालिटी इज़ नाइस, देखने में अच्छी लग रही है, फ़ोटो जैसी भी लग रही है। हो सकता है ये रियल नाइकी की फ़ोटो इन लोगों ने उठा के लगाई हो, मे भी कुछ ऐसा कलेक्शन आता हो, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। कितना परफेक्टली फिट हुई ये मुझे, OMG कितनी स्मार्ट लग रही है पहनी हुई। कुछ भी जीन्स, मुझे तो अपने ये ऐसे लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। कलर्स मुझे इतने पसंद आ रहे हैं ना, इतने प्यारे वाइब्रेंट से सुंदर से कलर्स लग रहे हैं, और मुझे इसके सारे कलर्स अच्छे लग रहे थे। तो दिस इज़ अ वाव आर्टिकल जो मुझे मीशो से मिला है ये, बट हाँ इससे मुझे ठंड भी नहीं लग रही है इसको पहन के। सो दिस इज़ नाइस, बहुत ही स्पोर्टी सा, कैजुअल सा, बहुत ही अच्छा फील ये मुझे दे रही है। मैं इसके ऊपर बंद करके भी देखना चाहूँगी कि ये मुझे टाइट तो नहीं होती। नहीं गाइस, सी ये तो मुझे बहुत प्यारी लगी, मैं तो बहुत खुश हुई इस आर्टिकल से। मीशो कभी नाराज़ करता तो कभी खुश भी करता है। सो अगर आप लोगों को कुछ ऐसी जैकेट चाहिए तो आप ये वाली मंगवाओ, इनफैक्ट इसके सारे कलर्स मंगवा लो, ये मुझे इतनी अच्छी लगी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे 2-3 जैकेट्स तो काफ़ी पसंद आई। वैसे ये मेरे साथ हर बार ही होता है, मुझे 2-3 आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, 2-3 बहुत बेकार। सो ये तो हर बार की कहानी है, और लाइक मीशो पे यही होता है, अलग अलग दुकानों से, अलग 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 रिटेलर से, अलग अलग जगह से माल आता है कपड़े आते हैं। हाँ तो मैं यही बोल रही थी, लाइक अलग अलग जगहों से आता है, तो कहीं का अच्छा होता है, कहीं का बेकार होता है। बट ये डिफरेंस, अगर हम खुद शॉपिंग करने जाए तो हम अपनी आँखों से बट हम खुद शॉपिंग करने जाएँ या सरोजनी वगैरह किसी फ्ली मार्केट में तो हम देख के लेते हैं तो हम बेटर जज कर पाते हैं। बट यहाँ पे ऑनलाइन आता तो हमें फ़ोटोज़ को देख के जज करना पड़ता है कि अच्छा आएगा या नहीं आएगा, तो कई बार अच्छा आता है कई बार नहीं। ऑल्सो अब मैं धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स से बताओ अब आप लोग और क्या क्या वीडियोज़ देखना चाहते हो मीशो की। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ प्लान की हुई और बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए हैं, तो आप लोग को अब मीशो की थोड़ी सी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगी। बट मैं उसके अलावा भी वीडियोज़ प्लान कर रही हूँ, तो उसमें आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, मेरे लिए अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, सजेशंस दो। तो चलो गाइस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाय बाय।